गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. यह एक साजिश थी, कोई अचानक स्वाभाविक कार्य नहीं था। गांधी जी की हत्या एक राजनीतिक घोषणा का ऐलान था। ये आजाद भारत हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी हमला था। 30 जनवरी 1948 के पहले 5 बार गांधी जी पर जानलेवे हमले हुए थे। तब न पाकिस्तान की बात चली थी, न 55 करोड़ रुपए वापस देने की। आइए गांधी जी की हत्या के पीछे असली इतिहास जानें। 1934, जुलाई 1944, सितंबर 1944, 1940 और 20-1-1948, मतलब आखिरी हमले जो सफल हुआ नाथूराम गोडसे के हाथ से, उसके बस 10 दिन पहले हमला हुआ था। ब्रदर, बापू इज ऑलरेडी लेट फॉर प्रेयर्स। ये कुल मिलाकर 6 हमले जो गांधी जी पर हुए थे, उनमें से 3 में नाथूराम गोडसे शामिल थे। मैंने मेरी किताब बियॉन्ड डाउट अ डॉसियर ऑन गांधीज असैसिनेशन में ये सब दस्तावेज छापने का काम किया। आजाद भारत हिंदुस्तान के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के GR मतलब गवर्नमेंट रेजोल्यूशन रिकॉर्ड करती है ये बात। RSS पर प्रतिबंध लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो आतंकवाद तरीके इस्तेमाल करके सरकार, लोकशाही और जनता के खिलाफ काम करते हैं। जुलाई 1948 मतलब कत्ल के कुछ महीनों बाद एक पत्र लिखते हैं सरदार पटेल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो भी स्पष्ट करता है ये बात। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे। यह पत्र रिकॉर्ड करता है कि गुलवलकर से लेकर बाकी संघी लीडरों के भाषण और तकरीर सांप्रदायिक जहर से भरे होते थे। गांधी जी की हत्या पर उन्होंने मिठाइयां बांटी, कोट अनकोट। सरदार पटेल हिंदू धर्म और हिंदुत्ववादी राजनीति का फर्क जानते थे। हिंदुओं को संगठित करने के लिए जहर फैलाना थोड़ी जरूरी है। गांधी जी का राम राज्य धर्म पर आधारित राम राज्य नहीं था, ये समझना जरूरी है। वो धर्म निरपेक्षता में मानते थे और उनके ऊपर पहली बार जब हमला किया गया, मतलब इन 1934 में, उसके बराबर 1 साल पहले उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ के कानून का साथ दिया था। 1931 का कराची रेजोल्यूशन ने मूल्य अधिकार को समझते हुए किसान, मजदूर, महिला, दलित, ब्राह्मण, हिंदू मुसलमान को बराबरी का हक देने का ऐलान किया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी होकर बस 1 हफ्ता हुआ था जब कराची रेजोल्यूशन पास किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, गांधी जी सब ने मिलकर पूर्ण स्वराज का सपना देखा था, जिसमें हर भारतवासी को बराबरी का दर्जा दिया गया था। गांधी जी के ये मॉडर्न सोच, मतलब 20वीं शताब्दी के सोच, वही इंसान के थे जो इंसान धोती भी पहनता था और अपने सनातनी धर्म पे फख्र भी करता था। फिर भी सार्वजनिक जीवन में जातिवाद और धर्म निरपेक्षता के सिपाही थे गांधी जी। गांधी जी हिंदुत्व सोच विचारधारा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और बाधा रहे हैं, क्योंकि RSS हिंदू महासभा हिंदुत्ववादी सोच विचारधारा संविधान में नहीं मानती, मगर मनुस्मृति में मानती है। सबसे हैरानगी की ये बात है कि मोदी सरकार 2014 में आने के बाद 11,000 फाइल जून 5, 2014 और जुलाई 8, 2014 के बीच में नष्ट की गई। NDA 1 के सरकार में पार्लियामेंट में सावरकर की छवि लगाई गई। NDA 2 की सरकार में गांधी जी को चश्मे पहनाकर स्वच्छ भारत का एक प्रतीक जरूर बनाया गया, मगर गांधी जी के हथियारों के दस्तावेज और संपूर्ण इतिहास को मिटाने का काम ये फासीवाद ताकत और सरकार ने किया है। संघ और गोडसे के हाथ, गोपाल गोडसे और नथुराम के बयान, गांधी जी हत्या और मैं,
गोपाल गोडसे का फ्रंटलाइन इंटरव्यू 2002 और 2004 में कम्युनलिज्म कॉम्बैट के अंकों में हमने ये कुछ बातें छापी थी। एक थे चुनीबाई वैद्य, उनकी छोटी सी पत्रिका जो गुजराती के लोग गुजरात लोक समिति ने छापी थी पूरे ये इतिहास को सामने लाकर। वाई डी फटके के नाथुरामायण जो मुंबई के महानगर अखबार में छपा था और कम्युनलिज्म कॉम्बैट के लिए डॉक्टर मुक्ता राधे दक्ष ने अनुवाद किया था। जगन फटनिस, उनकी किताब महात्मान से आखिर, जिसके 7 एडिशंस मराठी में छाप चुके हैं, वो पहली बार ये दिखाते हैं कि गांधी जी पे कितने बार क्यों हमले हुए। ये सब दस्तावेज ये पूरे इतिहास का विश्लेषण करते हैं। ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है आज के युवक और नौजवान को। गांधी जी की हत्या कोई मामूली अपराध नहीं था, वो भारत के संविधान पर, सांझी विरासत पर एक सरासर हमला था और है। गांधी जी हम शर्मिंदा है, आपके कातिल जिंदा है।